हेलो स्टूडेंट, हमने पोटेंशियल का स्टडी कर लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्टडी कर लिया है और पोटेंशियल के जो हमें फाइंड आउट करना था वो पोटेंशियल भी हमने फाइंड आउट कर लिया है फॉर सिंगल चार्ज, फॉर डायपोल एंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। टॉपिक का नाम क्या है? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। नाउ दैट नेम इटसेल्फ इंडिकेट इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स हमने जो स्टडी किया है वोल्टेज। सो इक्वल पोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे जिस सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल रहेगा, जिस सरफेस पे आप कितने भी पॉइंट चूज करो वहाँ पोटेंशियल इक्वल रहेगा, ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सिंपल मीनिंग है। तो अब इसका डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं, क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। An equipotential surface is that surface at every point of which the electric potential is same. मैंने underline किया है surface के at every point electric potential is same. तो surface पे कितने भी आप point choose करो वहाँ potential का value क्या रहेगा? Same रहेगा। V का value क्या रहेगा? Same रहेगा। कितने भी point कंसिडर करो पी क्यू आर एस और उसका पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब सीखते क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस वंस अगेन। नाउ द पोटेंशियल वी फॉर अ सिंगल चार्ज, फॉर्मूला हमने स्टडी किया है पोटेंशियल फॉर सिंगल चार्ज। वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर। अब देखो एक सिंगल चार्ज कंसिडर किया है जिसका वैल्यू क्यू है, वो तो अब हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब देखो अगर हमने आर को कांस्टेंट रख दिया, क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, आर को अगर हमने कांस्टेंट रख दिया तो वी का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर हमने आर का वैल्यू 1 ले लिया तो 1 वैल्यू के लिए वी का वैल्यू कांस्टेंट, अगर 2 ले लिया तो 2 के लिए वी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो वी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है इफ़ आर इज कांस्टेंट एंड वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि अब हम इसके ड्रॉ करते हैं, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ क्या होगा इससे। सपोज अब ये हमारा पॉइंट है सेंटर में, इस पे हमने चार्ज रखा है क्यू। कौन सा चार्ज रखा है? क्यू, इतना चार्ज हमने रखा है। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, ये हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये हमारे एरो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है। अब ये हमारा Q है, Q का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब हम R चूज करें, सपोज R का वैल्यू मैं 1 चूज करता हूँ तो Q से 1 इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1। तो अगर मैं ऐसा एक स्पीयर ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो इस स्पीयर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है। अगर मैं डिस्टेंस 2 लूँगा तो 2 जिसका आर का वैल्यू 2 है, ऐसा सरफेस मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अगर आर का वैल्यू मैं इंक्रीज करता जाऊँगा तो वैसे वैसे मुझे सरफेस भी मिलते रहेंगे। तो ये डिफरेंट सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिए, आर का वैल्यू आप चूज करोगे उस हिसाब से आपका सरफेस बनेगा, और ये सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा? वी का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इस सरफेस पे यहाँ वी फाइंड करो, यहाँ वी फाइंड करो, यहाँ वी फाइंड करो, यहाँ वी फाइंड करो, वी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। सो इफ आर इज कांस्टेंट वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये समझ में आ गया? सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं और सिंगल पॉइंट चार्ज, आर कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस। ये सर्कल नहीं है, स्पीयर बनेगा। क्या बनेगा? स्पेरिकल सरफेस बनेगा। तो आर जितना आप चूज करोगे इस हिसाब से एक स्पेरिकल सरफेस बनेगा। दैट सरफेस इज नथिंग बट अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई भी पॉइंट चूज करो इस सरफेस पे, उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, ये समझ में आ गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इतना याद रखो, यहाँ का पोटेंशियल अलग है और इस सरफेस का पोटेंशियल अलग है। ओके, ये तीनों सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन इस सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल है, इस सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल है, इस सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल है। ओके, यहाँ अगर 10 वोल्ट होगा तो यहाँ हर एक जगह 10 वोल्ट होगा, यहाँ 5 वोल्ट होगा तो हर एक जगह 5 वोल्ट होगा, यहाँ 2 वोल्ट होगा तो हर जगह 2 वोल्ट होगा।
ये समझ में आ गया। तो एक सरफेस पे वैल्यू कांस्टेंट रहता है, लेकिन दो आप सरफेस चूज़ करोगे तो यहाँ वैल्यू अलग अलग रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया, डेफिनेशन याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे सेम मीन्स, अगर मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला इस पॉइंट पे, तो यहाँ ये पी पॉइंट पे मुझे मिला 2 वोल्ट, तो यहाँ मैंने सेकेंड पॉइंट चूज़ किया क्यू, यहाँ भी कितना मिलना चाहिए 2 वोल्ट। यहाँ मैंने पॉइंट चूज़ किया उसी सरफेस पे आर, यहाँ भी वैल्यू कितना होगा 2 वोल्ट। यहाँ मैंने एस पॉइंट ले लिया, यहाँ कितना होगा 2 वोल्ट। समझ में आ गया? तो हर जगह वैल्यू क्या रहेगा इस सरफेस पे, कितने भी पॉइंट आप चूज़ करो हर एक जगह पे वैल्यू कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये समझ में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पोटेंशियल डिफरेंसेस का स्टडी करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज इक्वल टू वर्क डन। एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन लगता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन चार्ज का वैल्यू क्या कहा था मैंने, 1 होगा। सो W डिवाइडेड बाय 1 मीन्स W रहेगा, वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W21 डिवाइडेड बाय Q रहेगा, लेकिन Q का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, हमने कहा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये। सो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W21, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ 0.1 और यहाँ मैं चूज़ करता हूँ 0.2। अब 0.1 पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल 0.2 पे भी होना चाहिए, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों पोटेंशियल इक्वल होंगे। सो 1 माइनस 2 क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 माइनस 2 0, क्योंकि ये पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2, ये दोनों पोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल, क्योंकि सरफेस सेम है। यहाँ हमने स्टडी किया है पी पे 2 वोल्ट, क्यू पे 2 वोल्ट, वैसे ही इस सरफेस पे 1 पॉइंट पे V1 V2, इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, 0.1 and 2 लाइज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो, एक चार्ज क्यू है, इसका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैं 1 सेकेंड ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ मैंने चूज़ किया 0.1, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, V1, और ये मैंने चूज़ किया 0.2, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, V2। लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, ये हमने डेफिनेशन स्टडी किया है। सो V1 इज इक्वल टू V2, अगर V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, यहाँ पुट कर दिया, दोनों इक्वल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपका, अगर मुझे किसी भी चार्ज को 1 to 2 मूव करना है या 2 से 1 तक मूव करना है, तो मुझे वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए मुझे वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, सो नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सर्फेस। ये याद रखना, इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे अगर हमें चार्ज को मूव करना है तो वर्क डन नहीं लगता, वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इसके 2 पॉइंट और स्टडी कर लेते हैं। अब हमने स्टडी किया वर्क डन इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे 0 लगता है अगर हमें चार्ज को मूव करना है। तो अब देखो, इफ dx इज द स्मॉल डिस्टेंस ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड। अगर हम एक स्मॉल चार्ज को ds इतना डिस्टेंस, कितना dx इतना डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं, तो उसके लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला स्टडी किया है, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी किया है, वो फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे। देन वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ds। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो e डॉट dx को सॉल्व करेंगे तो e dx cos थीटा। लेकिन हमने स्टडी किया अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्कडन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो e डॉट cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो तो dA जीरो नहीं होगा, हमने उसको मूव किया है यहाँ से यहाँ सपोज मूव किया, तो dx का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा। तो जीरो वैल्यू किसका होना चाहिए, cos थीटा का। देखो एक चार्ज मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता। dx अगर चार्ज को मैंने मूव किया तो वो डिस्टेंस जीरो नहीं, कुछ तो मूव किया है तो ये भी जीरो नहीं है। देन cos थीटा का वैल्यू जीरो होगा, किसका वैल्यू होगा, cos थीटा। अगर cos थीटा जीरो है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू, इफ cos थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, एंगल बिटवीन e एंड dx इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन e एंड dx इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो ये थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। अब ये देखो यहाँ P पॉइंट है, P पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा है, चार्ज की वजह से क्या स्फेरिकल शेप बनेगा, चार्ज की वजह से क्या बनेगा स्पीयर बनेगा। ये हमारा सपोज P पॉइंट है और यहाँ मैंने चार्ज रखा है, तो चार्ज की वजह से क्या बनेगा एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का मैं स्मॉल पार्ट ले रहा हूँ, ये मैंने स्मॉल पार्ट उसका डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ओके। अब यहाँ से पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी निकलेगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अब हमारा सरफेस है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से जा रहा है। अब देखो मैं चार्ज को मूव करता हूँ कितना dx, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैं चार्ज को मूव करता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस dx। अब दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, अब दोनों में एंगल कितना है 90। अब कैसे भी मूव करो, ऐसे मूव करो इस डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या रहेगा ये 90 डिग्री ही रहेगा। तो E एंड dx ये हमेशा कितना रहना चाहिए 90 डिग्री, तो ये हमारा dW क्या होगा जीरो। तो ये इक्वेशन हमें क्या इंडिकेट करता है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम dx को मूव कर रहे हैं तो वो dx और E हमेशा क्या रहेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे E और dx हमेशा क्या रहता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। आप इस डायरेक्शन में मूव करो फिर भी ये 90 रहेगा, आप नीचे मूव करो फिर भी 90 रहेगा, कोई भी डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो क्या रहेगा 90 डिग्री टू E। ये समझ में आ गया, मीन्स E एंड dx इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज E इज परपेंडिकुलर टू dx एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को ई क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा। ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा क्या रहेगा ये नॉर्मल रहेगा। अगर ये सरफेस कंसिडर करो यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो फिर भी नॉर्मल रहेगा, ये सरफेस कंसिडर करो यहाँ से आप ड्रॉ करोगे ये भी नॉर्मल रहेगा। सो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट समझ में आ गया। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो है तो ई डी एक्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मीनिंग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ई हमेशा क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम कॉन्ट्ररी लेते हैं इसको, अगर ये नॉर्मल नहीं रहा तो क्या होगा, ये प्रूव हो सकता है कि नहीं, ओके वो अब हम देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट अब हमारा, नाउ सेकंड पॉइंट, इफ फील्ड इज नॉट नॉर्मल, अगर फील्ड नॉर्मल नहीं है मींस हमारा वैल्यू क्या था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू ई डी एक्स कॉस थीटा, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है तो थीटा एंगल कुछ ना कुछ होगा, ओके। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमारा ई नॉर्मल नहीं है और ये हमारा डी एक्स, तो ये एंगल थीटा कुछ ना कुछ होगा, E और dx थीटा कुछ ना कुछ होगा, तो ये जीरो नहीं आएगा। सो टू मूव टेस्ट चार्ज वर्क वुड बी डन, तो चार्ज को मूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन हमें क्या कहता है, इक्विपोटेंशियल मैंने पहले ही, हमने पहले ही डेफिनेशन देख लिया है, तो क्या कहता था डेफिनेशन,
द डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल से, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क डन का वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो। लेकिन यहाँ वर्क डन का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या कर रहा है, हमें फेल कर रहा है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। देर इज पोटेंशियल मीन्स दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, ये हमारा डेफिनेशन कहता है। एंड हेंस नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द चार्ज, इसलिए चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ तो वर्क डन लग रहा है, नॉन जीरो। सो अब इससे हम अगर कंक्लूजन फाइंड करें तो कंक्लूजन, अब एक वैल्यू हमें जीरो देगा और एक वैल्यू नॉन जीरो देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। Therefore, conclusion क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन, पॉइंट समझ में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब हम डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्टडी करेंगे। ओके, अब डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर्म द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम परपेंडिकुलर सर्फेस ड्रॉ करते हैं या नॉर्मल सर्फेस ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ये एक हो गया। नेक्स्ट, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर अ डाइपोल। देखो, डायपोल एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं, निगेटिव चार्ज के अराउंड। देखो जो इलिप्टिकल शेप है, डार्क लाइन, वो भी क्या है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है इलिप्टिकल शेप में, और बीच में एक लाइन है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, वो भी हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस डायपोल के लिए कैसे होते हैं, देख लिया, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो निगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखो धीरे धीरे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो इलिप्टिकल हो रहा है, इलिप्टिकल होते होते दोनों भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, धीरे धीरे जॉइंट होते जाएंगे। ये समझ में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस बिटवीन टू मेटालिक प्लेट। अगर दो मेटालिक प्लेट दिया है, प्लेट वन एंड प्लेट टू, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, इसमें से एक मेटालिक प्लेट को मैं शेप चेंज कर देता हूँ, प्लेट वन का शेप मैं चेंज कर देता हूँ, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा वो हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। सो मेटेलिक स्पीयर, अब देखो एक प्लेट को मैंने क्या कर दिया, मेटेलिक स्पीयर। व्हेन द वन ऑफ द शीट इज रिप्लेस बाय द चार्ज मेटेलिक स्पीयर, मीन्स एक प्लेट को हटा दिया और उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, स्पीयर। तो देखो स्पीयर से जो शेप आ रहा है वो कर्व शेप में पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ रहा है, और प्लेट के नज़दीक क्या है, प्लेन हो रहा है। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डायग्राम होंगे। समझ में आ गए सारे डायग्राम, तो ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।